हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभ्युदय। कम साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एस्ली वेंस के बुक एलन मस्क के बारे में। स्पेस और टेस्ला के को-फाउंडर एलन मस्क का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी ने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है और आज भी कर रहे हैं। उनकी बायोग्राफिकल बुक है एलन, जो हमें उनकी लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी की झलक दिखाती है। इस बुक के थ्रू हमें उनकी लाइफ के स्ट्रगल, अचीवमेंट और गोल्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। ये बुक काफ़ी इंस्पिरेशनल है, खासकर उन लोगों के लिए जो कभी हार नहीं मानते। इस बुक से हम सीखेंगे कि एक जीनियस बच्चा जिसका बचपन बड़े स्ट्रगल में गुजरा, जो बचपन से ही रॉकेट बनाने का सपना देखता था और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो साउथ अफ्रीका से यूनाइटेड स्टेट आया। एलन मस्क वो जीनियस था जो न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एक्सपर्ट था, बल्कि उसे इस दुनिया को बचाने का भी उतनी ही परवाह थी। इसलिए तो उनके माइंड में इलेक्ट्रिक कार और स्पेसशिप बनाने का आइडिया आया। एलन मस्क की ये बुक उनके चाहने वालों के लिए एक गिफ्ट की तरह है, जिसके थ्रू उन्हें इस महान इनोवेटर की लाइफ की कई अनजाने पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा। ये बुक किसे पढ़नी चाहिए? हर वो इंसान जो एलन मस्क की मैजिकल और इंस्पायरिंग स्टोरी को जानने में इंटरेस्टेड है, स्पेशली एंटरप्रेन्योर, इस बुक से काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। एलन मस्क ने कभी गिव अप नहीं किया और हर ग्रेट एंटरप्रेन्योर में यही क्वालिटी होती है। राइटर एस्ली वॉन्स ने एलन मस्क की बायोग्राफी एलन मस्क टेस्ला एंड क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर लिखी है। एस्ली वॉन्स एक अमेरिकन बिजनेस कॉलमनिस्ट है और ऑथर है, जिन्होंने कई सारी बुक लिखी है, लेकिन एलन मस्क पर लिखी उनकी बायोग्राफी सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक्स में से एक है। तो आइए अब जानते हैं एलन की दुनिया के बारे में। साल 2000 में सिलिकॉन वैली और सैन फ्रांसिस्को डिप्रेशन में डूबे हुए थे, क्योंकि इंटरनेट का नशा उतरने लगा था। अब जमाना .com का था, जिसके चलते एंजल कैपिटलिस्ट किसी भी इन्वेस्ट में पैसा लगाने से कतरा रहे थे। इस दौर में सिलिकॉन वैली के पास सिर्फ एक क्लिक एड्स का ही काम बचा था। ट्विटर और फेसबुक ने अभी अभी पैर पसारने शुरू किए थे। कुछ लोगों का मानना था कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अब ठंडी पड़ चुकी है। एलन मस्क भी इसी .com मिनिया का एक हिस्सा थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने Zip2 बनाया और $22 मिलियन कमाए। Zip2 गूगल मैप्स की तरह एक सॉफ्टवेयर था। कॉम्पैक ने Zip2 को 1999 में खरीदा था। मार्क्स ने इस कमाई को एक और स्टार्टअप X.com में खोलने के लिए इन्वेस्ट किया, जो बाद में PayPal बना। और फिर जब 2002 में eBay ने PayPal खरीदा, तो मस्क पहले से ज़्यादा अमीर हो गए। मस्क सिलिकॉन वैली के बजाय लॉस एंजेलिस में रहने चले गए थे, जहां पर उन्होंने टेस्ला, SpaceX और सोलर सिटी बनाई। उनकी कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स, एरोस्पेस और सोलर इंडस्ट्री में लीड करती है। रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाकर मस्क ने फ्यूचर को बदल कर रख दिया। एलन की दुनिया में रियलिटी और साइंस फिक्शन मिलकर एक हो गए हैं। एलन मस्क बाकी टेक्नोलॉजी मिलियनर से हटकर है। उनका सोच विश्वव्यापी है। मस्क कहते हैं,
अगर हम कभी न खत्म होने वाली एनर्जी का हल ढूंढ लें और मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाने की राह में तरक्की कर लें, तो ये वाकई बढ़िया बात होगी। आज मस्क की कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, जिसका नेटवर्थ $10 बिलियन है। मस्क ने नाना जोहवा हेलीमेट कनाडा से साउथ अफ्रीका तक खुद का जहाज उड़ाया करते थे। वो माइग्रेट होने के बाद अपने पूरे परिवार सहित हमेशा के लिए प्रेटोरिया में सेटल हो गए थे, मगर कभी कभी वे लोग नॉर्वे, स्कॉट और ऑस्ट्रेलिया आया करते थे। मे हेल्डीमैन और एरोल मस्क बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। जब वे बड़े हुए तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्द ही एलन मस्क का जन्म हुआ। मस्क 28 जून 1971 को पैदा हुए थे। उसके पिता एरोल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे, वहीं माँ में एक टैटिशियन थी। एलन के अलावा उनके दो बच्चे और थे, किम्बल और टोस्का। एलन अभी सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनकी काबिलियत दिखने लगी थी। वो घंटों किताबों में डूबे रहते थे, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड द हिचहाइकर, सो गाइड टू गैलेक्सी उनकी पसंदीदा किताब थी। उसके पास एनसाइक्लोपीडिया के 2 बड़े सेट रखे थे, जिन्हें वो तब पढ़ते थे जब पढ़ने के लिए किताबें खत्म हो जाती थी। मस्क परिवार एक खुशहाल परिवार था। प्रेटोरिया में उनके पास बहुत बड़ा घर था, मगर एलन जब 8 साल के हुए तो उनके माँ बाप का तलाक हो गया था और वे अपने भाई किम्बल अपने पिता के साथ रहने लगे। उनके पिता खुश मिजाज नहीं थे, इसीलिए एलन को कभी भी अपना बचपन खुशहाल नहीं लगा। एलन जब 10 साल के थे जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा, वो उसे देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने पिता से अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदने की जिद की। और जब उसके पिता उसके लिए कंप्यूटर लेकर आए, तो पूरे 3 दिनों में एलन ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। एलन अपने भाई किम्बल और कजन पीटर लेंडन और रस डिबे के बेहद करीब थे। वे उनके साथ मिलकर होममेड रॉकेट और एक्सप्लोसिव बनाया करते थे। उन सबको एक साथ लंबी ट्रेन ट्रिप पे जाना और डंजियंस और ड्रैगन्स खेलना भी बहुत पसंद था। पर जब एलन स्कूल जाने लगे तो वहाँ उन्हें कुछ अलग ही अनुभव हुए। जब एलन 17 साल के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़कर जाने का मन बनाया। उन्हें लगता था कि अमेरिका में उन्हें अपने लिए बेहद मौके मिल सकते हैं। साथ ही उन्हें सिलिकॉन वैली भी पसंद थी। जब उनके परिवार को कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो एलन को निकल भागने का एक मौका मिल गया था। कनाडा में अपने शुरुआती दिनों में मस्क को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वे घर से कनाडा जाने के लिए निकले तो उनके पास वहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहाँ अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजा और किसी तरह रहने का बंदोबस्त किया। अपना 18वां जन्मदिन उन्होंने कुछ पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ मनाया, जिन्हें वे ठीक से जानते तक नहीं थे। इस दौरान मस्क ने कुछ और जॉब्स भी, जैसे कि सब्जियां वगैरह ले आना और लकड़ियां काटना। उसके भाई किम्बल भी बाद में उनके पास कनाडा आ गए। साल 1979 में मस्क ने
क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में दाखिला लिया, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। पहली डेट के लिए जस्टिन ने उन्हें बहुत तरसाया था, मगर मार्क्स भी कम जिद्दी नहीं थे। जस्टिन ने बाद में कहा कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई ने मस्क की ज़िंदगी में बहुत से बदलाव लाए। वो अभी भी स्पेस और एनर्जी की बातें किया करते थे, जिसका उनके क्लासमेट मजाक उड़ाया करते। मस्क उन लोगों से मिले जिनसे उनके विचार मिलते थे। अपने खाली वक्त में वे कंप्यूटर ठीक किया करते थे, जिससे उनकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती थी। वे अपने क्लास मेट्स को स्पेयर पार्ट्स पे बेचते थे। 2 साल बाद मस्क को स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की। पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मस्क लंच के दौरान अपने दोस्तों से फिजिक्स पर डिस्कशन किया करते। उन्होंने और उनके खास दोस्त ने मिलकर एक घर किराए पर लिया। इस घर में वे वाइल्ड पार्टीज रखते और जो लोग पार्टी में आते उसे पर हेड $5 के हिसाब से पैसा वसूलते। मस्क अपनी क्लास के लिए कई दिलचस्प बिजनेस आइडिया भी सोचा करते। उनका ऐसा ही एक आइडिया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर, यानी सोलर पावर का महत्व। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सोलर पावर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे। उन्होंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में भी एक पेपर लिखा था, जिसमें बताया गया था कि ये एक प्रकार की बैटरी सेल्स है जो बड़ी तादाद में एनर्जी स्टोर करती है। इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है और बाकी कैपेसिटर्स के मुकाबले ये 100 गुना ज़्यादा पावर दे सकती है। मार्क्स ने तभी इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट्स के बारे में भी सोच लिया था। उनके प्रोफेसर्स ने उनके इस लाजवाब एनालिसिस की तारीफ करते थे। मस्क हर तरह की मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स कॉन्सेप्ट का हल ढूंढ लेते थे। उन्हें ये भी मालूम होता था कि इससे अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके दिमाग में पहले वीडियो गेम्स बनाने का ख्याल आया, मगर मस्क अपने लिए एक ऐसा करियर चाहते थे जिससे वे पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सके। वे अक्सर स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखा करते थे। उन्हें यकीन था कि आने वाला कल इन्हीं का होगा। भविष्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला था और इसी में उनको प्रॉफिट दिख रहा था। सिलिकॉन वैली फोटो शेयर करने में बिजी था और मस्क दुनिया को विनाश से बचाने की तैयारी कर रहे थे। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे एलन का पहला स्टार्टअप। तब तक के लिए धन्यवाद।